तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता है ना, तो देख। देख लो, मैंने तुम लोगों को इस कदर मजबूर कर दिया कि मुझे सजा दिलाने का ख्वाब देखने वाले तुम दोनों ने खुद ही मुझे जमानत दिला दी। क्यों, अब समझ गए ना कितनी ऊंची चीज हूं मैं? क्यों, इस तरह हैरान होकर क्यों देख रहे हो मुझे? मैं अकबर नहीं हूं, बख्तावर हूं, बख्तावर, समझे? मुझे सजा दिलाना चाहते थे। मैं जानता था मेरी असलियत जानकर तुम लोगों की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। इसे कहते हैं खेल। मैंने फिर से तुम्हारे साथ खेल खेला। तुमने फिर परेश किया हमारे साथ। गरीबान छोड़ो अल्तमश, कहीं ऐसा ना हो कि गरीबान में हाथ डालने के एवज में तुम भी वहीं पहुंच जाओ जहां से तुम मुझे निकाल कर लाए। मैं जैसे चाहूं तुम लोगों को निकाल सकता हूं। और रही बात अकबर की, तो दम है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, उसे तलाश करो कि मैंने उसे कहां बंदी बना कर रखा। तलाश करो उसे, देखता हूं तुम ढूंढ पाते हो कि नहीं। और अगर नहीं ढूंढ पाए तो इंतजार करो उस दिन का जब मुझे अकबर पर रहम आ जाए और मैं उसे अपने अदालत से बाइज्जत फरीद करूं। अबूजान, आज का दिन हमारे लिए नई खुशी लेकर आया है। अकबर भाईजान को जमानत मिल जाएगी, इस बात की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन हमारे अल्तमश ने उनके बचाव में ऐसी दलीलें दी कि अकबर भाईजान को जमानत मिल गई। वाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐन वक्त पर हकीकत से पर्दा उठ गया, वरना अल्तमश धोखे में आकर हमारे अपने ही अकबर को कातिल समझकर उन्हें सजा दिलाने वाला था। जब से ये हकीकत सामने आई दिल पर एक सदमा सा लगा, लेकिन एक खुशी भी है कि हमारा ऐतबार छूटा नहीं था और जिसे जिसे हम इस तरह गलत समझ रहे थे वो गलत नहीं थे। न जाने किस हालत में और कहा उस बख्तावर ने उन्हें रखा होगा, ये सोचकर आंखों में आंसू भर आए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी जान, अल्लाह का शुक्र है कि बख्तावर अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। अपनी कैद से आजाद करने के बाद वो अकबर भाईजान को कानून की कैद में भेजना चाहता था, लेकिन अल्तमश ने अकबर भाईजान को जमानत दिला ही दी। असगर मियां, अब तो जी चाहता है कि कब उन्हें एक बार देखूं। हाँ बहू, हम भी यही चाहते हैं कि जल्द अकबर हमारे पास वापस आए, जल्द हम अकबर से बातें करें। बस अल्तमश अकबर को लेकर आते ही हो। भाईजान से मिलने की तमन्ना मुझे भी बहुत है। क्या बात है अल्तमश, हम सब यहां तुम्हारी कामयाबी की खुशियां मना रहे हैं और तुम इस तरह से गुस्से में क्यों हो?
खुश तो मैं भी था अब्बू, ये सोचकर खुश था कि मैंने बख्तावर के इरादों पर पानी फेर दिया है। बड़े अब्बू को मैंने अदालत से जमानत दिला दी है। लेकिन जमानत हो गई ना, अदालत ने जमानत की दरखास्त को कबूल किया ना। हाँ दादा जान, अदालत ने जमानत तो मंजूर की है, लेकिन हम फिर एक बार धोखा खा गए। बख्तावर के फरेब में फंसकर हमने गलती कर दी है। ये तुम क्या कह रही हो शमा? हाँ बड़ी अम्मी हाँ, हमारे साथ धोखा हुआ है, उस बख्तावर ने हमारे साथ खेल खेला है। हाँ बड़ी अम्मी हाँ, हमारे साथ धोखा हुआ है, उस बख्तावर ने हमारे साथ खेल खेला है। और हम इस खेल में फंस गए। तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, कौन सा खेल खेल रहा ये बख्तावर और हमारा अकबर कहाँ है? दादा जान, इसे हमने अकबर चचा जान समझकर अदालत से रिहाई दिलवाई, उनकी जमानत करवाई। वो अकबर चचा जान नहीं, बल्कि वो तो बख्तावर है। हाँ दादा जान, पुलिस ने दोबारा जिसे मेरे और शमा के सामने गिरफ्तार किया, जिसे हम बड़े अबू समझ रहे, वो दरअसल बड़े अबू नहीं बल्कि बख्तावर ही था, जो बड़े अबू बनकर हमारे सामने आया। और यह नाटक उसने सिर्फ इसलिए किया कि अदालत में हम उसे सजा दिलाने के बजाय उसे बचाने की पहल करें। और हमें तो बड़े अबू को बचाने की पहल करनी थी, और मैंने ये बात अदालत में इस तरह से पेश की, इस तरह से जिरह किया, जिससे अदालत ने उसे जमानत दे दी। और अल्तमश, हम सब लोग तो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि तुम अकबर भाईजान को अपने साथ लेकर आओगे। सोचा तो हमने भी यही था कि हम अकबर चचा जान को अपने साथ घर लेकर आएंगे, और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। मैंने कितनी मेहनत से बड़े अबू को बचाने के लिए मुकदमा तैयार किया था, अदालत को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि अख्तर अली का कत्ल 25 साल पहले हुआ था, जिसे एक हादसा माना गया, जो आज भी एक हादसा है ना कि एक कत्ल। आज भी उस हादसे का कोई सबूत नहीं कि वो कत्ल ही था। मैंने जानबूझकर उस मुकदमे को इस तरह कमजोर कर दिया कि अदालत को मजबूरन उसे जमानत देना पड़ा। ऐसी खबर के मिलने के बाद तो हम सब खुश हो रहे थे। ये खुशियां बेमानी है चची जान। बख्तावर ने फिर एक बार हमें जबरदस्त शिकस्त दी। हमने सोचा था कि हम अकबर चचा जान को लेकर घर आएंगे, लेकिन लेकिन अदालत से रिहा होने के बाद बख्तावर हमारे क्लिनिक में आया था। वो हमारे ऊपर कह कहे लगाकर कह रहा था कि वो अकबर चचा जान नहीं, बख्तावर है, बख्तावर। और उसने एक बार फिर हमें शिकस्त दिया दादा जान। मुझे चैलेंज किया है कि अगर हम पता लगा सकते हैं कि बड़े अब्बू कहाँ हैं तो पता लगा कर दिखाएं, और मैं उसे उसके इस चैलेंज का जवाब जरूर दूंगा। दादा जान, हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा।
हेलो असगर, अब तक जो घर में खुशियां मनाई जा रही थी उन खुशियों पर तो पानी फिर गया होगा। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? तुम्हारे कह गए बहुत जल्दी थमने वाले हैं बख्तावर। आंसू बहाकर तुमने अपनी जमात का बंदोबस्त तो कर लिया, लेकिन ज्यादा दिनों तक तुम बच नहीं पाओगे। मुझे कैसे बचना है ये मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है असगर। मुझे फंसाया भी तुम लोगों ने था और बचाया भी तुम लोगों ने, और इसके लिए मैं तुम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब तो ये तुम्हें कबूल करना पड़ेगा कि तुम सब मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मैं जब चाहूं तुम्हें नचा सकता हूं। तुम्हारा ये गुरूर टूटेगा बतावा, ये गुरूर जरूर टूटेगा। ख्वाबों में जीने की आदत बंद कर दो असगर। मैंने तुम्हें यह कहने के लिए फोन किया है कि मेरी गिरफ्तारी पर तो बहुत खुशियां मनाई थी, अब मेरी रिहाई पर मातम मनाया जा रहा हूं। एक बात और असगर, अब बहुत जल्द तुम्हारी खुशियों पर बिजली गिरने वाली है। इस बिजली का इंतजार करो, बहुत जल्द गिरी। आज सुबह शमा से फोन पर बात हुई थी, मगर वो कुछ उलझी उलझी बातें कर रही थी अकबर की सच्चाई के बारे में। वो कह रही थी कि जिस अकबर को हम जानते हैं वो है नहीं। मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाई, इसका क्या मतलब हो सकता है? जिस अकबर ने सबकी जिंदगी हराम कर रखी है, अब शमा कह रही है कि वो अकबर वो नहीं है जिसे हम समझते हैं। लेकिन अनुपमा, अकबर अकबर है कौन ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन शमा अगर ऐसी बातें कर रही है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। और आज अदालत में अकबर की पेशी है, कुछ मालूम नहीं अब तक वहां हुआ क्या है। जीजा जी भी वहीं गए हैं और अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। शमा जलती है पिघलती है, समाने जलती है पिघलती है समाने के लिए। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम सुनोगी तो तुम भी परेशान हो जाओ। अदालत ने अकबर को जमानत दे दी। लेकिन कल तक तो शमा ये कह रही थी कि अल्तमश किसी भी हाल में अकबर की जमानत होने नहीं देगा। अनुपमा, ये सुनकर तुम और भी परेशान हो जाओगी जब तुम्हें ये पता चले कि अकबर को जमानत दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि अल्तमश था। ये कैसे हो सकता है? अल्तमश अकबर को जमानत क्यों दिलवाएगा? दुर्गा, फिलहाल इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन मैं अदालत की कार्रवाई अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। वो अल्तमश की जिरह का ही नतीजा था जिसकी वजह से अदालत ने अकबर को बाइज्जत बरी कर दिया। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली, परेशान करने वाली बात जो मुझे नजर आई वो ये थी कि अकबर और अल्तमश दोनों आपस में गले मिल रहे, दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे। लेकिन ये कैसे हो सकता है जीजा जी, कैसे? ये हुआ है अनुपमा, और यही हुआ। हमारे लिए परेशानी की बात यह है कि अकबर जमानत पर रिहा हो चुका है, पर वो अब ऋषि की रिहाई में रुकावटें जरूर खड़ी करेगा। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह सब कुछ हुआ है। अल्तमश ने अकबर को जमानत दिलाई है, जिसने हम सब कुछ से रुलाया है, लेकिन क्यों?
भाभी जान आंसू मत बहाइए, अकबर भाई जान जहां भी हो हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, पर आप इस तरह से गमगीन मत होइए। ये हमारे लिए तसल्ली की बात नहीं है कि हमारा अकबर जहां भी है सही सलामत है। हाँ चची जान, अकबर चचा जान को तलाश करने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे, लेकिन उन्हें लेकर आएंगे। वो बहुत पावर, खुद को अकबर साबित करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ फिर कोई गलत बर्ताव करे? नहीं बढ़ेंगे, बख्तावर ने जिस लहजे में मुझसे बात की है उससे साबित होता है कि बड़े अबू जहां भी हैं सही सलामत है। बस हमें तो यह पता लगाना है कि उसने बड़े अबू को कैद करके कहां रखा है। अल्तमश, बख्तावर ने मुझे फोन करके धमकी दी है और उसे साफ साफ लफ्जों में कहा कि बहुत जल्द वो हमारी खुशियों पर बिजली गिराएगा। वो कुछ न कुछ जरूर करने वाला है, वरना इस तरह टेलीफोन करके हमें इत्तला नहीं देता। अब सोचने की बात यह है कि वो क्या करने वाला है। हाँ दादा जान, अब तो खौफजदा हम भी है, क्योंकि बख्तावर को भी पता है कि सोहा, जिसे वो हमें मजबूर करने के लिए अपने घर की बहू बनाकर लेकर गया था, वो हमारे साथ मिली हुई है। कहीं उसका इशारा सोहा की तरफ तो नहीं था? जो भी हो दादा जान, मैं तो बस यही सोच रहा कि कानूनी तौर पर किस तरह हम उसे मुजरिम साबित कर सकते हैं। अल्तमश, सबसे पहले हमें अकबर भाईजान का पता लगाना होगा। ये बख्तावर खेल खेलना जानता है और उसने अकबर भाईजान को कैद भी इसीलिए किया है ताकि वक्त पड़ने पर वो उनका इस्तेमाल कर सके। हाँ अल्तमश, हम भी यही सोचकर उलझन में हैं। बख्तावर भी यही सोचकर बैठा होगा कि वक्त आने पर अगर हमने उसे मुजरिम साबित किया तो वो पक्के तौर पर अकबर चचा जान को अपनी जगह इस्तेमाल करेगा। उन्हें कानून के सामने पेश करेगा, इसलिए जब तक अकबर चचा जान उसके कब्जे में है हम कोई भी बड़ा कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम सही कहती हो शम, उसके खिलाफ कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हमें अकबर को उसकी गिरफ्त से छुड़ाना पड़ेगा। जब तक वो उसके कहते हैं तो वो कभी भी उन्हें मौरा बनाकर हम सबको मजबूर करने की कोशिश कर सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ अबू कि हम उसे मुजरिम साबित करने के लिए कोई पहल नहीं कर सकते, उसे सजा दिलाने के लिए कोई पहल नहीं कर सकते। पहल कर सकते अल्तमश, लेकिन वो किसी भी वक्त तुम्हें तुम्हारे कदम वापस खींचने पर मजबूर कर सकता है। सबसे पहले ये कहो कि अकबर का पता लगाने की कोशिश, ये लड़ाई तब जीती जा सकी जब तुम अकबर का पता लगाओगे। इतने मजबूर हो गए हैं हम दादा जान कि हम यहां परेशान हैं, हलवा वो बख्तावर खुशियां मना रहा होगा, हमारी बेबसी पर कहकर ही लगा रहा होगा।